अस्सलामु अलैकुम। आज हम पेरी पेरी चिकन क्रॉकेट्स बनाएंगे। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसमें किसी किस्म की मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसे बनाने में जो चीज़ें लगती हैं वो सारी तकरीबन हमारे घर पर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया एक कढ़ाई में। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने यहाँ एक बड़े साइज़ का प्याज यूज़ किया है, बारीक बारीक सा चॉप किया है। अगर छोटे कर रहे हैं तो 2 करें। बस हमें चलाते हुए प्याज को नरम करना है, गुलाबी करना है, ब्राउन नहीं होने देना। प्याज नरम हो चुकी है, हम इसमें चिकन डाल देंगे। 250 ग्राम चिकन ली हमने और बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। इस तरह से बोनलेस चिकन यूज़ किया हमने। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा नमक। फ्लेम को हमने हाई किया है। हम चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से पका लेंगे अदरक लहसुन के साथ। हाई पर तकरीबन हमें 2 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए पकाना है। थोड़ी देर तक हमने फ्लेम को हाई करके पकाया, फ्लेम को लो करना है और कवर करके 8 से 10 मिनट पकाना है चिकन के गलने तक। चिकन को हमने रख दिया है पकने के लिए। हम तब तक आलू को सीजन कर लेते हैं। हमने 2 आलू को बॉईल करके रखा है, छील कर इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया है। तकरीबन 200 से 250 ग्राम आलू होंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम कर दें। थोड़ा नमक, चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर, हरी प्याज के पत्ते ये हम 4 से 5 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं, ऑरिगैनो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लेमन जूस। हम इसे मिक्स करके तैयार रखेंगे। जैसे हमने आपसे कहा है ये फटाफट बन जाते हैं। तो एक तरफ आलू को बॉईल करने रखें और फिर चिकन को भी बॉईल करने रख दें। हमने यहाँ पर थोड़ा नमक कम रखा है क्योंकि हम थोड़ी चीज़ भी डालेंगे इसमें, और हमने इसमें चाट मसाला भी डाला है, तो ख्याल रखें। चीज़ ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो बिल्कुल ना डालें। सारी चीज़ों को हमने मिला लिया। चलिए चिकन को चेक करते हैं। 7 से 8 मिनट तक हमने लो फ्लेम करके अच्छी तरह से पका लिया। पानी ऐड नहीं किया, ज़रूरत नहीं लगी हमें। वैसे 1 से 2 बार चेक ज़रूर करें। चिकन काफ़ी हद तक गल गई है। हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। हम इसमें 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून भरकर विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। चाट मसाला घर पर किस तरह बनाया जाता है परफेक्ट तरीके से, इसकी भी रेसिपी हमने अपलोड की है, ज़रूर से देखें और बनाकर स्टोर करके रखें। 6 महीनों तक ख़राब नहीं होता। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिलाया, फ्लेम को हाई किया है। बस हाई फ्लेम पर चलाते हुए 0.5 से 1 मिनट पका लेंगे। चिकन के पीसेस को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है फ्लेम हाई करके। हम फ्लेम को बंद करेंगे, इसे ठंडा होने देंगे और फिर चिकन को श्रेड कर लेंगे। हमने चॉपर में डालकर चिकन को श्रेड कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। आलू के मिक्सचर में हमें श्रेड की हुई चिकन का मिक्सचर मिला लेना है। साथ में हम 1 कप मोज़रेला चीज़ भी मिलाएंगे, जो हमने आपसे कहा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें, और कोई और चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बस नमक का ध्यान रखें क्योंकि चीज़ में नमक होता है। हम इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। ये पॉइंट पे ऐड करने से टेस्ट अच्छा आता है। तकरीबन 1/2 टीस्पून डालेंगे। बस सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिलाएंगे। तो देखा आपने कितना जल्दी जल्दी बैटर तैयार कर लिया। बस हमारा क्रॉकेट का बैटर तैयार हो चुका है। आपने देखा कितने आसानी से हमने 250 ग्राम चिकन में ढेर सारा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। ये काफ़ी लोगों के लिए सफिशेंट है। आप चाहें तो बस एक बार थोड़ी सी मेहनत करके इसे बनाकर फ्रीज़र में रख दें, तो जब भी आपका मन करे आप फटाफट से क्रॉकेट्स को फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए क्रॉकेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़े से ऑयल से हमने हाथों को ग्रीस किया। इतने शेप का हम बॉल ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से पहले रोल करेंगे। हम ये साइज़ के क्रॉकेट्स बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉकेट्स को थोड़े मैदे से डस्ट करेंगे, बाद में अंडे में डिप करेंगे और लास्ट में हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। बस इस तरह से बनाकर आप चाहें तो
एक महीने तक फ्रीज कर सकते हैं इन्हें।